तुमने जिद क्या कर ली, हे श्याम सुंदर तुम्हारा दर्शन करना है, हे प्रभु तुम्हारा दर्शन करना है, हमने जिद की तो भगवान भी हमें मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। उन्हें पता है कि हम कहां बहल जाएंगे, वो भी हमें बहलाने का भरपूर प्रयास करते हैं। कुछ भक्त तो बहल जाते हैं पर कुछ जिद्दी होते हैं, प्रभु हमें तो केवल आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भक्त कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है जो भगवान से कहता है, हे प्रभु हमें दौलत दे दे, भगवान कहते हैं ले ले। एक भक्त वो होता है, हे भगवान हमें पद प्रतिष्ठा दे दो, भगवान बोले ले ले। एक भक्त वो होता है, भगवान हमारे बच्चा बच्ची नहीं है, बच्चा दे दो, ले ले। एक भक्त वो होता है, भगवान बोले तुम्हें क्या चाहिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर बोले हमें तो आप चाहिए, बस हम आपको यूं ही टुकुर टुकुर देखते रहें, दिन रात आपका चिंतन करते रहें, एक क्षण के लिए आपको भूले नहीं, क्योंकि आपके दर्शन में आपकी कक्षा में हमें इतना आनंद मिल रहा है कि संसार का आनंद इस आनंद के सामने तो बड़ा फीका है, तुच्छ है। तो भगवान कह रहे हैं चलो तुम और ज्यादा दौलत ले लो, और ले लो। ना 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 भगवान, आपने दे दिया उनको वो जो दौलत मांग के गए हैं, अभी अभी आपके पास से बेटा बेटी मांग के गए हैं, कल को वो रोते रोते फिर आएंगे आपके पास। तो जब कल को फिर आपके पास ही आना है तो आपका दर छोड़े ही क्यों, हम तो आपके पास रहना चाहते हैं। वो बड़ा होशियार होता है। अब आपको देख लो कि आपको कौन सा वाला बनना है, भगवान से मांगने वाला या भगवान को मांगने वाला। अच्छा, जिन जिनने भगवान से धन दौलत बेटा बेटी परिवार प्रतिष्ठा मांगी है, इनको फिर से रोते रोते आना पड़ता है कि नहीं? आत्मदेव जी ने कल बेटा मांगा, आत्मदेव जी की कल कथा सुनाई ना, आत्मदेव जी ने बेटा नहीं था, उन्होंने कहा बेटा मिल जाए, जबकि उनकी किस्मत में बेटा नहीं था, संत जी ने कृपा करके फल दिया और बेटा नहीं हुआ, बहन का बेटा धुंधली ने खरीदा। अब बेटा मिल तो गया पर बेटा मिला बिल्कुल अपोजिट, अब रोने लगे, हे भगवान। अब देखो पहले आए थे रोने के लिए, भगवान बेटा दे दो, भगवान बेटा दे दो, और फिर भगवान ने बेटा दे दिया सो चले गए। फिर 20 साल बाद आए, जब बेटे ने खूब लातें जमाई, फिर आए, हे भगवान ऐसा बेटा क्यों दे दिया, भगवान ने कहा था हम तभी मना किए थे, तुम माने नहीं। सीधी बात बताए मेरी माँ, तो लौट के जाना वही है, लौट के। तो क्यों, जब कल को भगवान की शरण में ही आना है तो आज ही उनकी शरण छोड़ो, क्यों? कितने दिन घूमोगे तुम संसार में? चिड़िया आकाश में कब तक उड़ेगी? कभी तो धरती में आना पड़ेगा कि नहीं? एक चिड़िया बोली मैं आऊंगी ही नहीं, उड़ जा, कब तक उड़ेगी? दाना खाने आएगी, पानी पीने आएगी, कब तक उड़ेगी तू? बस कब तक तुम संसार में भटकोगी, कब तक, कितने दिन आओगे ना? एक महात्मा जी थे, शमशान में रहने लग गए। गांव के लोग बोले महात्मा जी शमशान में मत रहो, चलो गांव में रहो, हम आपको गांव में बढ़िया आश्रम बनवाते हैं, आपका खाना पीना वहीं करेंगे। महात्मा जी से बोले गांव वाले, चलो आप सबसे मिल लेना, हम आपको सबसे मिलवाएंगे, हम आपको सबसे मिलवाएंगे। अब क्या हुआ, महात्मा जी बोले भैया हमें दुनिया वालों से मिलवाने गांव में मत ले जाओ, हम शमशान में ही बैठे रहेंगे, लोग यहीं आएंगे, हम यहीं सबसे एक एक से मिलते जाएंगे, अंत में आना तो आदमी कितना भी लापता हो जाए पर लापता आदमी भी मरने के बाद कहां जाएगा? हाँ, कहीं भी भटको तुम दुनिया में और लापता भी हो जाओ पर तुम्हें लौट के आना कहाँ है, शमशान आना है। महात्मा जी बोले जब लौट के शमशान ही आना है तो हम अपनी कुटिया ही शमशान में बना ले, यहीं रहे। महात्मा जी वहीं रहने लगे, जब कल को यहीं आना है तो आज से रहो ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग भी शमशान में फ्लैट बुक कर दें, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, पर ये अर्थ जरूर है कि आप लोग भी समय निकाल के शमशान जाया करो और देखा करो। जब शमशान को आप देखते रहेंगे तो आपको संसार में आसक्ति नहीं होगी। आज जो बहुत आसक्त लोग हैं ना, अच्छा आज जो बहुत आसक्त लोग हैं संसार के प्रति, वही आज सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। दुख का कारण ही आसक्ति है, इसका नाम ही आसक्ति है। जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, वही तो आसक्ति है। लोग कहते हैं ना इसका बेटा बेटी पर बड़ी आसक्ति है, इसका धन दौलत पर बड़ी आसक्ति है। ये आसक्ति क्या है?
आ तो सकती है पर जा, यही आ सकती है, ये आ सकती है पर जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए आप अभी से अपने मन को बिल्कुल ठीक ठीक से रखो, अभी से दोनों बातें सोच के चलो, ज्यादा मोह ममता में ना उलझा करो, बाद में रोना पड़ता है। अच्छा, रोना कब पड़ता है? रोना तब पड़ता है जो वस्तु आपकी नहीं है और आप कहें कि ये मेरी है। जो आपका, जो घर आपका नहीं है, उस घर में आप अपना दावा ठोकें ये मेरा है, तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना, झगड़ा होगा कि नहीं? आपके घर पर मैं दावा ठोकूं कि ये मेरा है तो क्या होगा मुझे? फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, आपसे झगड़ा करना पड़ेगा, आप बड़ा बल प्रयोग करेंगे, मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि झूठ तो टिकता है नहीं, टिकेगा तो सच। एक सज्जन थे, वो रेल की यात्रा कर रहे थे, बड़ा अच्छा व्यक्ति था पर लालची था। जरा ध्यान से सुनना ये कथा, हम सब की ही है, हम नाम नहीं बताएंगे किन की है, आपके बाजू में जो बैठे हैं उन्हीं की है, मतलब हम सब की। चलिए, एक व्यक्ति था, ट्रेन में बैठा था, जा रहा था लखनऊ। वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा बैठा बैठा, सारे यात्री उतर गए, ट्रेन लखनऊ बिफोर पहुंच गई आधा घंटा पहले, सारे यात्रीगण, पूरी ट्रेन खाली। पर यात्री ने देखा कि सामने वाली सीट के नीचे बहुत बड़ा बक्सा रखा है और बड़ा वजनदार है। उसने हाथ लगाया, मजबूत था, सुंदर था, उसे लगा जरूर इसके अंदर कुछ माल है। व्यक्ति का लोभ कब जाग जाए जानता कोई नहीं, उसका लोभ जाग गया, उसने बक्से को पकड़ा और उतार लिया। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर वो चला तो पुलिस वाले भाई आए, डंडा ठोका, चलो भाई क्या है इसमें बताओ। उसने कहा भांजी की शादी है, कपड़े भर रखे हैं, मायरा भरने जा रहे हैं, शादी का सामान है, भांजी का मामा है हम। पुलिस वालों ने कहा बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा, हमें खबर मिली है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसको खोल के दिखाना पड़ेगा। अब उसके पास चाबी तो थी नहीं, पुलिस वालों ने कहा निकालो चाबी, उसने बहाना बना दिया, चोर ले गए ट्रेन में, पूरा पर्स ले गए। पुलिस वालों ने कहा ये बक्सा तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ हमारा, भांजी के कपड़े हैं। पुलिस वालों ने कहा इसको तोड़ो, अब चाबी नहीं है तो तोड़ो। पुलिस वालों ने तोड़ा और खोलकर देखा तो मरा हुआ आदमी पड़ा था, टुकड़े टुकड़े थे, लाश पड़ी थी, हाथ था, सिर था, धड़ था, एक हाथ नहीं था। अब पुलिस वालों ने जो लाठियां दी, इसका एक हाथ कहां है बता जल्दी। अब वो कहे नहीं नहीं ये पेटी मेरी ही नहीं, और मारा, अभी तो कह रहा था मेरी है, ये बता इसका हाथ कहां है, कौन है ये, क्यों मारा तूने? और जंग जेल में ले गए, उल्टा लटकाया, मिर्ची का धुआं दिया, खूब मारा। अब ये बताओ उसकी पिटाई क्यों हुई, क्या वो बक्सा उसका था? नहीं था ना, फिर भी उसने क्या बोला कि ये मेरा है। बस यही दुख का कारण है, जो वस्तु तुम्हारी नहीं है तुम उसे अपना कहोगे तो दुख उठाना ही पड़ेगा। उसी तरह आप जरा बताओ, ये जो बेटी है, बेटा है, घर है, परिवार है और तो सब ठीक है, ये जो शरीर है क्या ये भी तुम्हारा है? नहीं ना, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, पर तुम कहते क्या हो ये? हाँ, मैं इसीलिए डंडे पड़ते हैं, उसको भी इसीलिए पड़े क्योंकि उसका था नहीं पर कह रहा था मेरा। और हम लोगों को भी यमराज के डंडे इसीलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा कुछ है नहीं, फिर भी हम दावा ठोकते रहते ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मीराबाई बड़ी चतुर थी, जो कह रही थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, हम सबसे बुद्धिमान मीरा हैं, हम सबसे चतुर मीरा हैं, हम सब तो उनके सामने मूर्ख से भी मूर्ख हैं। हम संसार को कहते हैं ये मेरा है, वो भगवान को कहती थी ये मेरे हैं, इसलिए वो जीत गई और हम जैसे हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं। क्या मिला तुम्हें?
कुछ नहीं। तो जीवन में दुख का कारण क्या है मेरी मां? दुख का कारण क्या है? हां, दुख का कारण है लोभ, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना समझ रहे हो, कह रहे हो यही दुख का। इसलिए मेरा कुछ है इस धरती पर, मेरा बस। आप सदा यह भाव रखो कि इस धरा पर यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह जिंदगी भी हमें किराए से मिली है, यह जीवन भी हमें किराए से मिला है, और किराए के मकान को अपना नहीं कहा जाता। कल को मालिक आएंगे, हाँ, और झोपड़ी खाली, हाँ, झोपड़ी खाली करा ली जाएगी। कब? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या कहा? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कौन सी घड़ी? मौत की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब डोली निकलेगी सब धरा का, इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। ये जिंदगी हमारी किराए की है, आप कहीं अपना तो नहीं मान बैठे। आज रात को कथा के बाद जब जाना तो दर्पण जरूर देखना, कांच शीशा, और अपनी शकल देखना और अपने आप से प्रश्न करना, क्यों जी, कहीं तुमने अपना तो नहीं मान लिया? हाँ जी, अभी होए तो अभी देख लो, कहीं अपना तो नहीं मान लिया? इस संसार को अपना मान लोगे तो नुकसान में रहोगे, और बिहारी जी को अपना मान लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं तो भवसागर से पार लगना कठिन नहीं है। वेद पुराणों का ज्ञान बोल रहा हूं मैं, मुझे बहुत कठिन बात करनी नहीं आती, पर मैं इतना जानता हूं कि बिहारी जी से प्रेम हो जाना ही विद्वानों के लक्षण हैं, और संसार में आसक्त बना रहना ही मूर्खों के लक्षण हैं। बस मैं इतनी बात जानता हूं। ये सब किराए का है, इसलिए भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना। ये काया एक कुटिया है, शरीर हमारी एक कुटिया है, और एक दिन ये कुटिया को खाली करके हमें जाना पड़ेगा कि नहीं? आपके दादा परदादा खाली किए थे कि नहीं? तो आप करोगे कि नहीं? ये कुटिया हमारी,
ये जमाने के लोग जला देते हैं और हम तो यहां से निकल जाएंगे। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही तो निकलती है, शरीर तो लोग जला देते हैं। तो कुटिया है, देखो घर होता है और घर में रहने वाला होता है। आप घर नहीं हो, आप घर में रहने, हाँ जी, आपसे आपका घर अलग है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे घर से घर वाला अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा से शरीर अलग होती है। आत्मा तो रहने वाली है, कहाँ रहने वाली है? शरीर रूपी घर में, शरीर रूपी घर में आत्मा रूपी व्यक्ति रहता या रहती है। तो हमारा शरीर जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी ब्रह्म सूत्र से स्टार्ट होती, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य, जन्माद्यस्य, उस परमात्मा को याद करो जिसने तुम्हें शरीर रूपी कुटिया प्रदान की है, जो भगवान सब जानते हैं। अच्छा, आप ये मत सोचा करो कि हम पाप करेंगे, गलत करेंगे तो हमें कोई देखा नहीं, देखता नहीं, ना। तुम कमरे में भी, अंधेरे में भी कुछ कर रहे हो, कह रहे हो, अरे कहने और करने की सोच छोड़ दो, अभी प्रेजेंट में आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो भी परमात्मा सुन रहा है। चार थे सुभिज्ञ, सब जानने वाले हैं, और स्वराट स्वानैव राजति इति स्वराट, जो सब कुछ जाने, जिनका प्रकाश सब जगह उपस्थित हो दिन में रात में, वह स्वराट है। जो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं उन्हें स्वराट कहते हैं। वो भगवान जिनकी करुणा पर, जिन पर मुह्यंत यत सूर्यः, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, है ना मैया जी? हाँ, मैया सुन रही हो आप? आप ठीक है? नहीं, आप इस तरफ देख रही हो ना बार बार, हमें लगा इस तरफ क्या है भाई। भगवान सत्यम परम धीमही है, भगवान सत्य स्वरूप है। ईश्वर क्या है? सत्य स्वरूप है। इसलिए उस सत्य को प्रणाम करो, उस सत्य की शरण में जाओ जो तीनों कालों में सत्य है, त्रिसत्यम है ना। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म क्या है? निर्मत्सराणां सतां धर्मः, कपट रहित विचार ही धर्म है। जब तक मेरे चित्त में, मेरे हृदय में कपट का स्थान है, तब तक ही मैं धर्मात्मा नहीं हूं। जिस दिन मेरे अंदर से कपट चला गया, उसी दिन मैं धर्मात्मा बन गया। मेरे हृदय में मैं धर्मात्मा हूं या नहीं? अच्छा, आप लोग धर्मात्मा हैं कि नहीं? लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है। धर्मात्मा कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो कपट रहित है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो परमात्मा जो व्यक्ति कपट रहित हो, उसी को भगवान हृदय से लगाते हैं। जिन जिनके अंदर कपट था, अर्जुन के अंदर कपट नहीं था तो भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, कौरवों के अंदर कपट था तो भगवान ने कौरवों का साथ, बंदर भालुओं के अंदर कपट नहीं था, विभीषण के अंदर कपट नहीं था तो राम ने विभीषण को गले लगाया, और रावण के अंदर कपट था तो राम ने गले उन्हें, हाजी,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कपट रहित भक्त चाहते हैं, कपट रहित हम बन जाएं, और जब कपट रहित बनेंगे तो पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। क्या समझ में आ रही है बात? जब आप कपट रहित हो जाएंगे तो आपको भागवत का रस बहुत आनंदमय लगेगा। आप तो बस पीते जाओ इस रस को। सुखदेव जी परीक्षित को पिला रहे हैं, 7 दिन में सदगति करा दी इस भागवत ने, परीक्षित जैसों की गति हो गई तो हमारी भी हो ही जाएगी।